हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। जाने किस देवी देवता को कौन से फूलों से करें प्रसन्न। शास्त्रों में फूलों का विशेष महत्व बताया गया है। फूलों को सृष्टि की सभी पवित्र चीजों में से एक माना गया है। देवी देवताओं की पूजा में फूलों का इस्तेमाल प्राचीन समय से ही किया जाता रहा है। वहीं ये भी कहा जाता है कि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। वे यह नहीं देखते कि भक्त ने उन्हें क्या अर्पित किया है, लेकिन फिर भी भक्त वो हर कोशिश करता है जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। इन्हीं में से एक है पूजा में चढ़ाए जाने वाले फूल। शास्त्रों के अनुसार पूजा में फूल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किस देवी देवता को कौन सा फूल चढ़ाया जाए। तो चलिए जानते हैं किस भगवान को कौन सा फूल पसंद है और उन्हें उनकी पूजा में कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए। भगवान श्री गणेश। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी को तुलसी को छोड़कर हर तरह के फूल पसंद होते हैं। विशेषकर धूप या दूर्वा उन्हें खास पसंद होता है, इसीलिए उन्हें धूप की 3, 5 या फिर 7 पत्तियां चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी की तरह ही भगवान गणेश जी को भी लाल रंग के फूल पसंद है, इसीलिए उन्हें लाल या फिर उनकी पूजा में उन्हें कोई भी फूल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव। मान्यता है कि भगवान शंकर को सभी सुगंधित पुष्प बेहद प्रिय हैं। चमेली, श्वेत कमल, शमी, मौलसिरी, पाटला, नागचंपा, धतूरा, शमी, खस, गुलर, पलाश, बेलपत्र, केसर उनके पसंदीदा फूल हैं। इसीलिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें इनमें से कोई भी पुष्प खुशी खुशी चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु। सृष्टि के पालनहार माने जाने वाले भगवान विष्णु जी के संदर्भ में कहा जाता है कि उन्हें मनमोहक चीजें बहुत अधिक पसंद आती हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत अधिक प्रिय होती है। काली और गोरी तुलसी दोनों ही भगवान विष्णु जी को पसंद हैं। इसके अलावा कमल, बेला, चमेली, गुमा, खैर, शमी, चंपा, मालती, कुंद आदि फूल विष्णु जी को उनकी पूजा में चढ़ाना शुभ होता है। श्री हनुमान जी। पवन पुत्र हनुमान जी को लाल फूल बेहद प्रिय है, इसीलिए शास्त्रों के अनुसार उन्हें लाल रंग के पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है। वैसे उन्हें कोई भी सुगंधित फूल जैसे गुड़हल, गुलाब, कमल और गेंदा चढ़ाया जा सकता है। सूर्य भगवान। शास्त्रों की माने तो सूर्य देव को आग, कनेर, कमल, चंपा, पलाश, अशोक, बेला और मालती के फूल चढ़ाए जाते हैं। विशेषकर सूर्य देव को आग का फूल सबसे ज्यादा प्रिय है। मान्यता है कि यदि सूर्य देव को एक आग का फूल अर्पण कर दिया जाए तो इससे कई गुना फल अधिक व्यक्ति को प्राप्त होता है। वहीं सूर्य देव को धतूरा, अपराजिता, अमड़ा, तगर आदि पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। माँ भगवती। वैसे तो भगवान शंकर जी को जो फूल पसंद है वही देवी पार्वती को भी चढ़ाए जा सकते हैं। शास्त्रों की माने तो सभी लाल रंग और सुगंधित पुष्प विशेषकर सफेद फूल भगवती माता को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। बेला, चमेली, केसर, श्वेत कमल, पलाश, चंपा, कनेर, अपराजिता आदि फूलों से देवी माँ की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी माँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कमल का फूल देवी लक्ष्मी जी को विशेष रूप से प्रिय होता है, जिस कारण उनकी पूजा में उन्हें कमल का पुष्प चढ़ाना शुभ माना गया है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को कमल के फूल चढ़ाने का विशेष महत्व है। वहीं माँ काली को भी गहरे लाल रंग के फूल अर्पित करना शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी को कुमुद, करवरी, मालती, नंदिक और पलाश के फूल काफी अधिक प्रिय है। यदि आप श्री कृष्ण जी की आराधना करते समय ये फूल उन्हें चढ़ाते हैं तो आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव। शनिदेव की पूजा में नीला, लाजवंती और गहरे नीले रंग के फूल चढ़ाना अति शुभ होता है। शास्त्रों की माने तो उन्हें नीले रंग के फूल बेहद प्रिय हैं। शनिदेव की पूजा में नीले रंगों का प्रयोग कर उन्हें जल्द ही प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।